ये देखिए अंदर से कितनी लाजवाब कचौड़ी बनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद मम्मी। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्टफ्ड अनियन कचौड़ी। ये देखिए, ये देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही खाने में टेस्टी है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा बोल मैदा, नमक, थोड़ा सा तेल मोयन के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोयन से ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, हल्का सा दबाने पे मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब है कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम गूंद लेते हैं। हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसको गीले कपड़े से ढककर रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। अब इसके लिए एक मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। इन सबको दरदरा पीस लेते हैं। मसाले को मैंने दरदरा कूट लिया है। अब बनाते हैं स्टफिंग। एक पैन में लेंगे थोड़ा सा तेल, तेल गर्म हो गया है, उसमें डालेंगे ये कूटा हुआ मसाला, थोड़ी सी हींग, इसको हल्का सा भून लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन को भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। बेसन को भूनना ज़रूरी है क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाएगा, नहीं तो कच्चे का टेस्ट आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। इसे भी 1-2 मिनट के लिए इसे भी चलाते हुए भून लेते हैं। मसाला भुन गया है, इसमें ऐड करेंगे नमक, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर और ऐड करेंगे आमचूर। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे उबले हुए मटर और स्वीट कॉर्न, साथ ही ऐड करेंगे उबले हुए आलू। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब इसमें ऐड करते हैं नींबू का रस, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, और ऐड करेंगे हरा धनिया। जब तक स्टफिंग ठंडी होती है हम प्याज रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े प्याज लिए हैं, इसको हम अंदर से खाली करेंगे, पहले हम ऊपर से कट करेंगे और थोड़ा सा इधर से भी काटेंगे। प्याज को छील कर मैंने वॉश कर लिया है और दोनों तरफ से ऐसे कट लगा दिया। तो सबसे पहले हम ये अंदर का ये पार्ट निकालेंगे, वाइट वाला। हमें बाहर की 2 लेयर रखनी है, बाकी हम सारी रिमूव कर देंगे। 1 लेयर और निकलेगी अभी इसकी। ये देखिए ऐसे पूरे प्याज खाली कर लेंगे। ये डो बिल्कुल रेडी है। लेना है चकला बेलन, थोड़ा सा डो लेकर इसको गोला बनाएंगे। अब इसको पूरी के जितना बेल लेते हैं। देखिए एक और बड़ा पेड़ा बनाकर उसको भी बेल लेंगे। साइडों से काट कर स्क्वायर करेंगे। इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटेंगे। स्ट्रिप्स को उठा लेते हैं, छोटा सा पेड़ा बनाएंगे, इसको पूरी के जैसे गोल बेल लेते हैं। आपके पास प्याज हैं उससे डबल आपको ये पूरी बनानी है। अब एक थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेंगे और इसको बड़ा बड़ा बेल लेंगे, किनारे निकाल देते हैं। 3 पीस में इसको कट करेंगे, लगाएंगे कट। जितने प्याज हैं उतने ही ये रेडी करेंगे। बस उसके नीचे लगाएंगे एक पूरी, पूरी के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे पेस्ट, जो मैंने मैदे और पानी से घोल बनाया है। इसको बीच में रखेंगे। अब इसमें डालेंगे स्टफिंग। एक और पूरी लेकर उस पर भी ये घोल लगाएंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे।
अब ये वाली स्ट्रिप्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा घोल लगाकर इनके ऊपर चिपकाएंगे। अब ये वाली एक स्ट्रिप लेंगे, इस पर भी लगाएंगे घोल। इसको उठाकर ऐसे सेंटर में जहाँ ये गैप है वहाँ रखेंगे, इसको खींचते हुए। ऐसे ही सब तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करेंगे। कम फ्लेम पर करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल इनके ऊपर डालेंगे। ये रटते पलटते हुए हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इनको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मस्त प्याज की कचौड़ी बिल्कुल रेडी है। देखिए, इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी केचप और धनिया पत्ती के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।